एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण के विरुद्ध में भारत बंद का चक्रधरपुर और आसपास क्षेत्र में व्यापक असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर और अब खबर विस्तार से। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और जाति वर्गीकरण के विरोध में विभिन्न संगठनों के समर्थन में 21 अगस्त 2024 प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिससे चक्रधरपुर में उक्त बंदी का व्यापक असर देखने को मिला है। बंद के दौरान वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहा। अधिकतर प्रतिष्ठान स्वतः बंद थे। बंद कराने झामुमो, कांग्रेस, आदिवासी संगठन और भीम आर्मी की टीम सड़क पर उतरे। भारत बंद के दौरान पूरे शहर और आसपास के लोग बाइक में सवार होकर घूमते नजर आए, जिसमें झामुमो के युवा नेता और दिशुम गुरुजी, आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सनी उराव समेत झामुमो नेता राहुल आदित्य, दिनेश जेना, प्रदीप महतो, पीरू हेम्ब्रम, नज्जू उप प्रमुख विनय प्रधान, कांग्रेस नेता विजय सावंत, प्रीतम बांकिरा, भीम आर्मी के विप्लव तांती समेत पूरी टीम मौजूद रही। बंद समर्थकों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के पास से बाइक रैली से शहर और आसपास के क्षेत्र में निकले हैं और जो दुकानें खुली थीं उसको बंद करने की अपील की और वैसे दुकान भी बंद किए। इस दौरान चक्रधरपुर के NH 75E होते हुए रेलवे स्टेशन, इतवारी बाजार, भारत भवन चौक, असलम चौक, कपड़ा पट्टी, बाटा रोड, पुरानी रांची रोड, थाना रोड, रामचंद्रपुर आदि क्षेत्र में बंद समर्थक पहुँचे। अब आइए देखते हैं दिशुम गुरुजी, आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सनी उराव, जिला झामुमो प्रवक्ता दिनेश जीना, जिला झामुमो उपाध्यक्ष राहुल आदित्य और कांग्रेस युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रीतम ने क्या कहा। देशव्यापी बंद को लेकर जैसा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसटी एससी में क्रिमिलियर का फैसला दिया गया था, उसको लेकर उसके विरोध में आज पूरा देशव्यापी बंद है और इसके आज उसी के विरोध में हम सभी यहाँ सभी सामाजिक संगठन सभी दलों के नेता एकता के साथ में हम लोग पूरे शहर में निकले, सभी से बंद का समर्थन का अपील किए और ये अच्छी बात है कि सभी ने इस बंद को समर्थन दिया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहा है कहीं ना कहीं इससे पूरा जो देश का जो 85% जो आबादी है वो इससे प्रभावित हो रहा है, तो इसीलिए सभी इस चीज़ को समझ रहे हैं, भली भांति देश के नागरिक, चक्रधरपुर के वासी और सभी इस बंद को सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। आपको हम लोग को व्यापारी वर्ग को और सभी संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस बंदी का सब सहयोग किए। अच्छा, इसके लिए सबको धन्यवाद। मैंने बंद करने जो निकले थे कुछ दुकानें स्वतः जो है अधिकतर दुकानें बंद थी, कुछ दुकानें खुली थी, वो सब भी आपका बंद कर दिया गया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आज हम लोगों का अनुरोध माने और इस बंद को समर्थन किए। कमेटी, प्रदेश कमेटी, कांग्रेस और बाकी बीमार भी सभी लोगों ने इस बंद का समर्थन किया है और हम लोग भी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से पूरे दल के लोग, पूरे पश्चिम सिंहभूम विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग हम लोग निकले हैं और बहुत ही स्वेच्छा से लोगों ने अपना दुकान को बंद किया है और आज का जो बंदी को पूर्ण समर्थन किया है। हम लोग पूरे शहर का भ्रमण किए, इक्के दुक्के दुकान खुले रहे, हम लोगों ने उनसे अपील किया है कि आज भारत बंद है, आप लोग बंद कर। देखिए, जैसे स्वतः सभी दुकान तो लगभग बंदी थी, लगभग जो दुकान खुली थी सभी को हम लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की आज के लिए कम से कम दुकान बंद कर दीजिए। जो जो दुकानदार हम लोग देखते हो बंद किए, सभी को हम लोग पुनः एक बार हाथ जोड़कर धन्यवाद भी दिए कि पूरा जब भारत सपोर्ट कर रहा है तो आप लोगों को भी इस मुहिम में आपको जोड़ना होगा और सभी को लगभग बंदी है, फिर भी हम लोग आश्वस्त करेंगे, फिर से एक बार हम लोग ग्राउंड मारेंगे ही टाउन का, लगभग दुकानें बंद है फिर भी एक बार हम लोग जरूर घूमेंगे।